पूरे राज्य में हर जगह से प्रवासियों का आवागमन लगा हुआ है, जैसा कि आज यहाँ पे भी ये 5 लोग आए हुए हैं। इससे कहीं ना कहीं मुश्किलें और बढ़ती हुई जाती हैं, काम भी बढ़ जाता है लोगों का। इस बीच में यहाँ के जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के ये लोग लगे हुए हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, तो इनसे कुछ जानकारी चाहेंगे। सर जी, आपको ये कैसे एकदम पता चल जाता है कि हमारे यहाँ बाहर से लोग आए हुए हैं? हमारी ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन की टीम है, उस टीम में हमने प्रत्येक वार्ड वाइज 2-4 लोग लगा रखे हैं। जैसे ही कोई बाहर का व्यक्ति आता है, तुरंत ही हमारे लिए सूचना देते हैं और हम उन पर जाकर, घर पर जाकर उनका परीक्षण करते हैं, नाम लिस्ट में नोट करते हैं। तो इस तरीके से आप ये सैनिटाइजर उसी दिन तुरंत स्टार्ट कर देते हैं? तो बहुत अच्छी बात है कि आपके हर वार्ड में ये लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आप इनको किस तरीके की एहतियात बरतने की बात बताते हैं? सबसे पहले हम इन लोगों का जाके टेम्परेचर चेक करते हैं, दिन में 2 बार करते हैं, और इनसे कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, कम से कम अपने से दूसरे की दूरी 1 मीटर रखें, और बार बार हाथों को साबुन से धोएं या फिर सैनिटाइजर का प्रयोग करें। सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए उनको लगातार एहतियात बरतते हुए ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के जितने भी लोग हैं लगातार तत्पर रहते हैं। साथ ही साथ ये जो लोग आए हुए हैं, इनको भी बारी बारी ये चेक करते हैं, घर घर के जाके इनके लिए हर रोज़ की ये मुसीबतें सामने खड़ी करती हैं और ये इनका ये सामना करते हैं डटकर। नगर पंचायत गुलड़िया, थाना मूसा जाग से विजय।